गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम जा रहे हैं, आज के ब्लॉग है स्पेशल, बहुत ही स्पेशल फ्रेंड्स, इसलिए आज हम जा रहे हैं चाटी। चाटी से हमारी रैली लगेगी क्योंकि नशा का बहुत व्यापार हो रहा है हमारे जगत खाना थाचुआ और ब्रोव में, तो इसी को हम एक कदम उठा रहे हैं इसको रोकने के लिए, ताकि पुलिस वाले प्रशासन मतलब होश में आए क्योंकि ये लोग खुद भी नशे तस्करों के साथ मिले होते हैं, तो हम लोग जागरूक होंगे तभी ये भी आगाज होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ये वाली वीडियो मेरी प्लीज आप लोग शेयर करना जरूर, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये किसी के काम आ सके, नशे के खिलाफ जो हमारी आवाज गूंज रही है, महिला मंडल सारे इकट्ठे होंगे और ग्राम पंचायत वगैरह भी इकट्ठे होंगे, 2-3 ग्राम पंचायत भी इकट्ठे होने वाले हैं, तो अगर आपको थोड़ी भी मेरी ये काम की वीडियो लगती है तो प्लीज फ्रेंड्स शेयर। तो आज थोड़ी जल्दी जल्दी में हूँ, थोड़ा से सतलुज दिखा देती हूँ, आप लोगों ने बोला होता है कि सतलुज दिखाना, तो इसीलिए शेयर कर रही हूँ मैं। ये देखिए सतलुज की व्यू, और बाकी तो अब रैली में क्या क्या होने वाली है वो रैली में जाके ही शेयर होगी। थोड़ी जल्दी में हूँ मैं, तो इतना ही शूट करती हूँ, बाकी का अब रैली में जाके मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर जहाँ हम आज रैली लगा रहे हैं, तो यहाँ पर पहुँच के ब्लॉग के माध्यम से मैं भी कुछ सूचना देना चाहती हूँ नशे के खिलाफ, और यहाँ पर अभी आंटी जी बताएंगे, हमारे महिला मंडल थाचुआ के प्रधान, उनसे बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सब तैयार है अब रैली के लिए, तो बहुत सारी महिला मंडल आई हैं, कुछ एक यहाँ पीछे भी खड़ी हैं, सबके नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, कुछ एक के तो जानती हूँ, और जगात खाना भी है, कोतसेरी है और चाटी है, बहुत सारी महिला मंडल है तो भी है, तो ये सब महिला मंडल हम आज एकजुट होके हम नशे के खिलाफ नारे लगाने वाले हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ खास तौर पर, क्योंकि ये लोग सोए सोए रहते हैं। तो पहले हम थाचुआ महिला मंडल के प्रधान से बातचीत करते हैं। आंटी बताओ, हमारे यहाँ कैसा नशा है, क्या है? आज 23 जनवरी 1923 का दिन हम सब महिला मंडल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 2023 है ना, क्योंकि जो हमारा इलाका है, हमारा एरिया है ना, चाटी से लेकर जगात खाना ब्रो तक जो है नशा से मतलब ग्रस्त है, हमारे नौजवान युवतियाँ युवक इसकी लत से मतलब अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए हमने आज ये कदम उठाया है कि हम सब मिलकर जो है नशे के खिलाफ लड़े। धन्यवाद। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई बताना चाहते हैं कैसा नशा है? तो महिला मंडल अपर जगात खाना, जैसे नशे के प्रति आप सबको पता है कि आज सभी महिला मंडल इकट्ठे हुए हैं, हमारा चाटी से चाटी जगात खाना और ब्रो जो ये मेन 3 स्टेशन है, यहाँ पे बहुत नशा फैल रहा है, नशा तो क्या बोलते, चिट्टा मेन तो हमारा चिट्टा के ऊपर है, और साथ में हम नशे के प्रति और साथ में पुलिस प्रशासन को भी हम थोड़ा सचेत करेंगे, और मेन मकसद हमारा यही है नशे। महिला मंडल थाचुआ और महिला मंडल जगात खाना के प्रधान दोनों ने बताया आप लोगों को कि जगात खाना से लेकर ब्रो तक नशा में ग्रस्त है नवयुवक, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तहत में नशा का व्यापार भी होता है, यहाँ पर भांग से लेकर चिट्टा तक। लोगों को आज के डेट में ये नहीं पता कि आज तो वो नशा बेच के अपने शौक ऐशो आराम इकट्ठे कर रहे हैं और ठाट से बाट से रह रहे हैं नशा बेचकर, उनको ये नहीं पता कि भाई आज के डेट में वो लोग ठाट से रहते तो उनके जो आने वाली पीढ़ी है, उनके बच्चे, उनके आज बच्चे खराब नहीं होंगे तो उनके नाती पोते तो होंगे, तो जब अपने बच्चे खराब होंगे तब जाके उनको समझ आएगा कि भाई नशा बेचना कितना भयानक है, क्योंकि आज हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, इन लोगों को कोई एहसास नहीं है, जब उनके खुद के घर से होंगे तभी एहसास होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोगों की उधर तो पता नहीं नशा की इस तरह से होने जगह जगह से मेरे फ्रेंड बने हैं, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा तगात में भांग सुल्फा और चिट्टा जिसको बोलते हैं, चिट्टा जो नया बीमारी निकल पड़ा है वो बहुत ज़्यादा उसमें है मात्रा में यहाँ पर व्यापार होता है, और पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है कुछ पता नहीं, इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा, और ग्राम पंचायत प्रधान वगैरह 2-3 ग्राम पंचायत है हमारे साथ, जगात खाना तो है ही है और भी है हमारे साथ, पोषणा भी है।
और सोशल वर्कर हमारे सारे निगी जी वगैरह सब लोग यहाँ कहीं भी आप लोगों को ऐसा और व्यापार मंडल जगात का हम लोग ये अपने आप नहीं पहुँचा सकते हैं। तो ये चीजें माध्यम है, आप लोगों ने फोन नंबर रखने, चाहे मेरा रखो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का रखो, चाहे प्रधान जी का रखो। तो प्रधान जी हैं हमारे जो कंसर्निंग एडजॉइनिंग पंचायत के हैं, बखन के प्रधान जी हैं यहाँ आपके सामने, तुनन के हैं, पोषणा के हैं, आने वाले सरपारा वाले जितने भी है, आप लोग इनके मोबाइल नंबर रखिए, आप तुरंत इनको कॉल करिए और उसके बाद अगर कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है तब आप हम लोगों के पास आना कि ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। मान लो तो फ्रेंड्स आप लोग ने देखा कि कितनी पब्लिक आई थी और कैसे कैसे हमने नाराबाजी किया और नशे के खिलाफ और नशे तस्करों के खिलाफ आवाजें उठाई हमने और पुलिस वाले को भी आगाह किया। तो काफी देर लगी हमारे को, अभी बज चुके हैं ढाई, मैं ढाई बजे पहुंची घर, मुझे लगा कि अब वीडियो को एंड कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाला मेरा ब्लॉग कैसा लगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में और प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट डे नेक्स्ट बार। बाय बाय।